जो हमारे पहले वाले वीडियो का पहेली का जो जवाब था उसका सही जवाब क्या था? ताला, यानी लक। सही जवाब क्या था? ताला। सबसे पहले जो कमेंट किया आया जिसके तरफ से कमेंट, वो विशाल साहनी नंबर वन पे रहे। दो नंबर पे कमेंट आया ओम प्रकाश चौधरी का, नंबर टू पे आए। और तीन नंबर कमेंट आया प्रीति महतो का। आप जानते हो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मैं फर्स्ट थ्री कमेंट को ही सिर्फ काउंट करूंगा, बाकी आप जब भी कमेंट करो वो आपकी मर्जी है, आप सही दे सकते हो, लेकिन आपका नाम यहाँ पर बोला नहीं जाएगा, तो आप माइंड मत कीजिएगा। इन सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कि ये कमेंट किए सही जवाब। और आज की पहेली सुनिए, आज का हमारा पहेली है, ध्यान दीजिएगा, चौकी पर खड़ी है एक रानी, चौकी पर खड़ी है एक रानी, सिर पे आग बदन में पानी। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, चौकी पर खड़ी है एक रानी, सिर पर आग बदन में पानी। आपको कमेंट करना है जल्द से जल्द कि इस पहेली का जवाब क्या होगा, तो आपका भी नाम नंबर वन में जरूर आ सकता है अगर आप सबसे पहले कमेंट करते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमारा आज का जो सवाल है, आज मैं आपको सवाल नंबर 6 बता रहा हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि तीन क्रमिक समानुपाती संख्या द्वारा कितने क्रमिक समानुपात गठन कर सकते हैं ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने लिख दिया हूं, कोई टफ नहीं है। माना तीन क्रमिक समानुपाती संख्या पी क्यू आर है, आप कुछ भी मान सकते हो, एबीसी एक्स वाई जेड जो भी मानना है। इसलिए पहला क्रमिक समानुपाती क्या बना, इसको इसी तरह लिख दिया गया, पी अनुपात क्यू समानुपात, क्यू अनुपात क्या हो गया आर। इसलिए दूसरा समानुपात क्या बना, देखिए इसको अपोजिट किया गया है, क्यू अनुपात पी समानुपात, देखिए ये अपोजिट होकर आर अनुपात क्यू, यानी कितने समानुपात बनाए जा सकते हैं, कम से कम दो, दो से ज्यादा आप नहीं बना सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए दो क्रमिक समानुपात गठन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, नोट डाउन कीजिए, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, काफी इम्पोर्टेंट सवाल है और काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं इसको बनाने में, आप इसे ध्यान से समझिएगा। सवाल क्या दिया है कि पांच क्रमिक समानुपाती संख्याओं में प्रथम माने पहली संख्या दो हो रही है एवं द्वितीय छह होने से पांचवी संख्या ज्ञात करें। आपको पांचवी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे आप ध्यान से देखिए। मैंने लिख दिया कि माना तीसरी चौथी एवं पांचवी, प्रथम और द्वितीय दिया गया, तो तीसरी चौथी और पांचवी संख्या क्रमशः पी क्यू और आर मैंने मान लिया है। इसलिए इसको लिखा कैसे गया है, देखिए पहली संख्या बटा दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बटा तीसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या बटा चौथी संख्या बटा चौथी संख्या, आइए लास्ट में पांचवी संख्या। सोल्व कैसे करेंगे, पहले मैं ये दो को लिया, देख रहे हैं पहले ये और ये मैंने लिखा, ओ आर दूंगा, क्रॉस गुणा करूंगा, ऐसे तो क्या हो जाएगा, टू पी बराबर छह गुणे छह, यानी ओ आर पी बराबर हमारा क्या आ गया, छह गुणे छह बाई टू कर दिया और ये कटा तीन दान में, यानी ओ आर पी बराबर क्या आ गया आपका, छत्री अठारह आ गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर आप इन दोनों को लोगे, किसको लोगे, इन दोनों को आप लीजिएगा, तो ये क्या मैंने ले लिया, छह बाई पी बराबर पी बाई क्या हो गया क्यू। आपने अभी पी का मान कितना निकाला है, अठारह, तो मैंने छह बाई पी के जगह पर क्या लिखा, अठारह बराबर अठारह बाई क्या हो गया क्यू, क्रॉस गुणा कीजिए क्या हो जाएगा आपका, छह क्यू बराबर अठारह गुणे अठारह। आप दोनों में गुणा नहीं करोगे क्योंकि काटना है, इसे ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने ओ आर लिखा, क्यू बराबर क्या आ गया, अठारह गुणे अठारह बटा क्या हो गया छह छतरी अठारह, और ये गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू, यानी ओ आर क्यू बराबर अठारह छतरी अठतिया चौवन आ गया। अब हम फिर क्या कर लेंगे, फिर अब आपका जो अंत में बच गया, इन दोनों का निकल गया, इन दोनों का निकल गया, इन दोनों को निकालेंगे, क्या है हमारा p बाई क्यू बराबर q बाई r, r हमारी पांचवी संख्या है और आंसर भी हमारा पांचवी संख्या ही पूछा है, ओ आर मैंने दिया, p का मान क्या था आपका, p का मान आया था अठारह बाई q का मान आपका क्या निकला था इधर चौवन, चौवन बराबर फिर q का मान चौदह चौवन और ये r हो गया ओ आर।
ये क्रॉस गुणा होके यानी 18 आर बराबर क्या हो गया 54 गुणे 54, फिर ओ आर आर बराबर क्या हो गया 54 गुणे 54 बटा क्या हो गया 18 18 54 हो गया। अब 54 नंबर 3 गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 36 12 15 162। आर का मान कितना आ रहा है 162। आपका आंसर 162 ही होगा, आप लिख सकते हैं। इसलिए पांचवी समानुपात, समानुपात क्या बोला था, पांचवी संख्या बोला है, तो आप लिख सकते हो पांचवी संख्या। इसलिए पांचवी संख्या जैसा क्वेश्चन में पूछा है उसी के हिसाब से आपको आंसर भी लिखना है। पांचवी संख्या बराबर 162, यही आपका फाइनली क्या हो गया आंसर। आप इसे जरूर समझे होंगे, मैंने क्या करना है कि पहले इन दोनों को तुलना कर लेना है, पहले इसको लिख लेना है अच्छे से। इन दोनों को तुलना करने के बाद टी का मान आया, टी का मान इन दोनों को तुलना में हम क्या करेंगे पुट अप कर लेंगे, फिर क्यू का मान आ जाएगा, तो क्यू का मान इसमें और पी का मान इसमें, पुट अप कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे जरूर समझे होंगे, बहुत टफ नहीं है, बल्कि इसको अपने दिमाग में रखना है। प्रैक्टिस के माध्यम से आपको ये सवाल दिमाग में रह सकता है, रेगुलर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चलिए चलते हैं अगले सवाल नंबर 8 है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। दिया गया है कि 6, 15, 20 और 43 में प्रत्येक के साथ कितना जोड़ने पर, आपका यहाँ पर सवाल में वियोग लिखा है, वियोग का मतलब होता है घटाओ, आप इसे जोड़ कीजिएगा, करेक्शन कीजिएगा, गलत दिया गया है। जोड़ने पर वियोगफल समानुपाती होगा, तो लिख दिया, मैंने लिख दिया कि माना प्रत्येक के साथ एक्स जोड़ने पर, क्या करने पर, एक्स जोड़ने पर एटीपी किया। देखिए ये 6 के साथ मैंने एक्स जोड़ दिया अनुपात, 15 के साथ भी मैंने एक्स जोड़ दिया समानुपात, 20 के साथ भी एक्स जोड़ दिया, 43 के साथ भी मैंने एक्स जोड़ दिया। आपको मैं पहले भी बताया हूं कि ये अनुपात किसमें बदल जाता है, बटा में बदल जाता है, मैंने ये बटा करके लिख दिया, समानुपात बराबर हो गया और ये जो हुआ बटा करके हो गया। अब चलिए इसको क्रॉस हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस गुणा करेंगे, चलिए करते हैं। आप 20 से इसमें गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20, और 15 से पहले इन दोनों में गुणा कीजिए, 20 और 15 गुणा होके 300 होगा, प्लस और प्लस गुणा होके प्लस, 15 और x गुणा होके 15x, फिर प्लस और प्लस गुणा होकर x से इन दोनों में, तो 20 और x गुणा होके 20x, अब प्लस और प्लस गुणा होके प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर बराबर। ये क्रॉस गुणा कीजिएगा, 6 और 43 गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 36 18 और 6 24 25, ठीक है। फिर ये प्लस और प्लस गुणा होगी क्या हो जाएगा प्लस 6x, फिर देखिए ये प्लस और ये प्लस गुणा होगी क्या हो जाएगा प्लस, एक्स के साथ 43 में गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा 43x। आप बीजगणित का गुणा तो जानते ही होंगे, 7 में ही आपने सीखा होगा, प्लस ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए, एक्स जितने भी हैं उसको एक तरफ कीजिए, संख्याओं को एक तरफ कीजिए। देखिए आप एक बात अच्छे से जानते हैं, अगर बराबर के तरफ दोनों तरफ एक जैसी संख्या हो, चिन्ह भी उनका मैच कर रहा है, संख्या भी एक जैसी है, तो दोनों आपस में कट जाते हैं, तो ये संख्या दोनों आपस में क्या होगी कट जाएगी। अब जो बचा है एक्स को एक तरफ कीजिए और संख्याओं को एक तरफ कीजिए। पहले देखिए ये 15 और ये 20 और 15 जब आपस में जुटेगा तो क्या हो जाएगा 35x हो गया, ठीक है। और इधर क्या है, इन दोनों को भी जोड़ देना है हमें, बराबर का मैंने साइन दिया, ठीक है। ये आपका 258, और जब ये संख्या इधर जाएगी तो माइनस क्या हो जाएगी 300, प्लस इन दोनों को आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 49, 43 और 6 जुट के क्या हो जाएगा 49x। आप जानते हैं कि जो एक राशि होती है आपस में जुट जाती है, तो मैंने जोड़ दिया। अब चलिए 49 को इधर ला दीजिए, ये 35x है माइनस ये क्या हो गया 49x बराबर, ये आपका ये दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा, मैंने ये संख्या को इधर ला दिया, ये घट के कितना आ जाएगा यानी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया 4, माने -42 आएगा, ठीक है आपका -42। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बराबर के चिन्ह के साथ थोड़ा अटैच हो गया था, देखिए और इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस क्या होगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ये माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस 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 वाला बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह होगा, ये 14x होगा बराबर माइनस क्या आ गया है 42, माइनस माइनस कट गया आपका, x बराबर क्या हो गया 42/14, ये कट के क्या हो गया
तीन, माने एक्स का मान कितना आ गया आपका तीन और संख्या भी यही हो जाएगी, इसलिए वह संख्या है बराबर तीन, ये आपका आंसर हो गया। आप इसे कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, अगर कोई भी असुविधा हो तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना। नौ नंबर दिया गया है कि 23, 30, 57 एवं 78 में से प्रत्येक के साथ कितना घटाने पर वियोगफल समानुपाती होगा। घटाने की बात बोला गया है, इसके पहले वाले सवाल में जोड़ने की बात बोला गया है, बोला गया था बिल्कुल एक जैसा बनेगा, कोई अंतर नहीं है। माना प्रत्येक के साथ x घटाने पर मैंने x मान लिया, देखिए मैंने लिख दिया 23 - x = 30 - x = 57 - x = 78 - x = 78 - x हो गया, ठीक है। तो ये जो 23 - x अनुपात का मतलब बटा दे दिया, समानुपात का मतलब बराबर, 57 - x और अनुपात का मतलब मैंने क्या लिख दिया 78 - x। अब देखिए ये क्रॉस गुणा होता है समीकरण में, आपको बहुत अच्छे से पता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इसके साथ ये गुणा में है, देखिए ये दोनों को गुणा में रख दिया गया बराबर, इसके साथ ये गुणा में है, ये दोनों आपस में बराबर रख दिया गया। देखिए बच्चों इसको आप लोग गुणा कीजिएगा, गुणा करना थोड़ा टफ हो जा रहा है, 23 और 78 का गुणा, मैंने इसको आप सोल्व कर लीजिएगा जैसे इसके पहले वाला सवाल बना था, ये तो आप गुणा करना 7 में भी सीखे हो, 8 में भी आप सीखे हो, 7 से ही ऐसा शुरुआत हुआ था ऐसे गुणा करना, आप कर लीजिएगा, x का मान निकाल लीजिएगा, आपका आंसर जरूर आ जाएगा, ये आपका होमवर्क भी होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप आंसर क्या लाए हैं, ठीक है। चलिए चलते हम लोग इसके अगले सवाल पर, बिना वो QRS दे दिया गया है, काफी टफ होगा आपके लिए समझना, बट ध्यान से अगर समझते हैं वीडियो बिना स्किप किए हुए तो आप जरूर इसे समझ पाइएगा। देखिए क्या दिया हुआ है कि PQRS में से प्रत्येक के साथ कितना वियोग करने पर वियोगफल समानुपाती होंगे ज्ञात करो, माने वियोग करना है यानी घटाना है, वियोग का मतलब ये होता है घटाव करना। तो मैंने लिखा माना प्रत्येक के साथ x वियोग करने पर, ठीक है, तो मैंने एटीपी कर दिया, t - x = q - x = r - x / s - x मैंने लिख दिया, और ये अनुपात किस में बदल जाता है, बटा में लिख दिया, उसको भी मैंने बटा में कर दिया, आप तो ये जान ही रहे होंगे कि कैसे हो रहा है। अब ये क्रॉस गुणा, इन दोनों को मैंने एक साथ रखा, इन दोनों को मैंने एक साथ रखा, अब चलिए कैलकुलेशन करता हूं, आप इसे ध्यान से समझिएगा। P से पहले इन दोनों में मैं गुणा करूंगा, तो P से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, PS - PX, फिर ये दोनों गुणा करेंगे तो ये माइनस, अब माइनस एक्स से इन दोनों में, तो आप लिखिए पहले S आता है उसके बाद क्या आता है X, माइनस S X माइनस माइनस क्या हो गया प्लस X² बराबर, Q से इन दोनों में गुणा करेंगे तो पहले QR माइनस क्या हो जाएगा QX, ओके, फिर ये माइनस और प्लस, माइनस क्या हो जाएगा RX, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस X², ओके। देखिए ये दोनों तरफ X² है, तो पहले आप इसे कट कर दीजिए, थोड़ा छोटा हो गया ये कट गया, अब जो जो X है उसको आप एक तरफ कीजिए, जो जो X नहीं है जिसमें उसको एक तरफ कीजिए, तो देखिए इसमें X है, इसमें X है, बट कोई एक राशि नहीं है, इसको आप जोड़ नहीं सकते, इसमें x है और इसमें x है, तो इसको इधर लाइए, तो देखिए ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं QX, उसके बाद इसको लाइएगा तो ये देखिए इधर माइनस में है, राइट साइड में माइनस में है, तो इधर लेफ्ट में आ रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस, आप जानते हैं कि चिन्ह बदल जाता है RX, ठीक है। अब देखिए उसके बाद मैं ये माइनस और लग देता हूं माइनस PX, ये माइनस क्या हो गया SX, अब थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे यहाँ पर कि सर यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो पहले था सर यहाँ पर क्यों नहीं रख दिया उसके बाद इसको रखते, मैं इसलिए किया ना ताकि ये देखिए ये माइनस में था ना, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था, देखिए मैं कोई चेंजिंग नहीं किया, यहाँ पे आपका PX है माइनस में, मैंने यहाँ पर माइनस में PX ये रख दिया हूँ, और यहाँ पर माइनस SX है मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब जो बच गया बिना X वाला उसको ले जाते हैं उधर, ये देखिए ये क्या है QR, फिर उसके बाद इसमें क्या बचा हुआ है, कोई बचा है क्या, नहीं बचा हुआ है, इधर देखिए क्या बचा हुआ है, ये एक संख्या बची हुई है इसमें सिर्फ, तो ये इधर आएगी तो माइनस क्या हो जाएगा PS हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब में X है,
तो मैं x कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, q प्लस r माइनस p, माइनस क्या हो गया s, बराबर हमारा क्या बचा qr माइनस ps। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्वतः जो रहा था कि अब x यहाँ पर आया है, मैंने कॉमन ले लिया है, तो मैं इसको यहाँ पे बटा कर सकता हूँ समीकरण में, आप जानते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्यू आर माइनस पी एस बटा क्या हो जाएगा, देखिए q प्लस क्या है r माइनस p माइनस क्या हो गया s, यही आपका फाइनली आंसर भी हो जाएगा, हम लिख देंगे ये आपका आंसर हो गया। इसलिए वह संख्या बराबर वह संख्या नंबर जो भी चर अचर जो भी है क्या हो जाएगा क्यू आर माइनस पी एस बटा क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस क्या हो जाएगा एस, यही आपका फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट भी था, आप इसे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर हमारा 5.2 कंप्लीट भी होता है। अब हम लोग अब मैं आपको लेकर आ रहा हूँ 5.3। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रोथ कर सके। एक बात आपको बताना, इस चैनल के माध्यम से हमारा जो है आज से एक दिन पहले यानी कल हमारा चैनल 300 सब्सक्राइबर पूरा कर चुका है, और जब हमारा चैनल 500 सब्सक्राइबर पूरा कर लेगा तो मैं अभी देखे होंगे कि मैं सब्सक्राइबर हाइड करके रखा हूं, तो मैं उसको हाइड नहीं करूंगा, पूरा ओपन कर दूंगा, हर कोई देख पाएगा, लेकिन कम से कम 500 होना चाहिए, 300 हो चुका है। आप अगर मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो और भी चैनल हमारा ग्रोथ करेगा। आपको रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी मन लगेगा, अच्छा लगता है कि जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, स्टूडेंट जब बढ़ते हैं देखने वाले, तो अच्छा लगता है, मन में लगता है कि चलो मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, ये सही दिशा में कर रहा हूँ। नहीं तो अगर सब्सक्राइबर ना बढ़े, ऑडियंस जो है हमारा वीडियो ना देखे, तो ऐसा लगता है कि यार बेकार का समय दे दे रहा हूँ, कोई तो देखता ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से हाथ जोड़ के कि आप जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि चैनल मेरा ग्रोथ कर सके। इसके आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।